ये तुलसी की माला है, इसको पहले सादा धागे में चढ़ाया जाता है, फिर इसको गांठ लगाई जाती है, फिर इसमें फूल चढ़ाया जाता है, इसको तुलसी की माला बोलते हैं। और ये 20 रुपए में ही बनती है। ये लकड़ी की माला है, इसको सादा माला बोलते हैं। इसको भी ऐसे ही सादा धागे में चढ़ा के गांठ लगाई जाती है और फूल चढ़ाया जाता है। ये भी हमें 20 रुपए में ही पड़ती है। ये रेड कलर की माला है, ये भी लकड़ी की है, इस पर कलर चढ़ा के सादे धागे में फूल चढ़ा के गांठ लगानी पड़ती है। इस गांव में ये तुलसी का काम होता है शुरू से, और इसको हम अपने खेत में जमीन लेके किसी के करते हैं, फिर उसको उस लकड़ी को उखाड़ते हैं, काटते हैं, उबालते हैं, तब इसकी हम माला बनाते हैं। उत्तर प्रदेश पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा हमारा ग्रुप बनाया गया। इससे पहले हमारे यहाँ तुलसी नहीं उगाई जाती थी। जब ये परियोजना यहाँ आई तो हमारे मन में भी मतलब लगा कि हमें भी तुलसी उगानी चाहिए, तो हमने भी शुरुआत की है तुलसी उगाने की। अभी हमारे ग्रुप में 11 सदस्य हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने नारी सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया है। इसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं।